चीन के पाखंड के बाद जिस तरह से वो लगातार अपने किए के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उसके बाद से देश में गुस्सा चीन के खिलाफ और भड़क गया है। मोदी सरकार ने भी चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। उसके बाद अब कुछ राज्य सरकारें भी, जैसे नीतीश कुमार सरकार, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी चीन पर आक्रामक है, उसके साथ की अपने प्रोजेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं। और अब दिल्ली सरकार ने तो चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी नागरिकों की एंट्री दिल्ली में बैन करने का मन बनाया है। दिल्ली के बजट होटलों के संगठन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार अभियान का समर्थन किया है और चीनी नागरिकों के लिए अपने होटल्स और गेस्ट हाउस में जगह नहीं देने का फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के किसी भी बजट होटल या गेस्ट हाउस में किसी भी चीनी व्यक्ति को नहीं ठहराया जाएगा। दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र गुप्ता के मुताबिक चीन जिस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है उससे संगठन नाराज है। दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस कारोबारी कैच के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि चीन की हिमाकतें कुछ ऐसी हैं कि एक तो लगातार भारत की तरफ वो बढ़ रहा है और उसे जब उसने स्ट्रक्चर्स हटाने के लिए कहा गया तो उसने स्ट्रक्चर्स हटाने के बजाय और लगा दिए। साथ ही अपनी फौज को भी लगातार सीमा पर तैनात कर रहा है। 15 जून को उसने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी नुकसान हुआ है, हालांकि उसने संख्या बताने से साफ इनकार कर दिया है। इससे भारत का रोष बढ़ना लाजमी है। उसी का असर है कि अब दिल्ली में चीनियों की एंट्री बैन करने की तैयारी कर ली गई है।